बांदा जिले के अतरा में बुंदेलखंड किसान यूनियन के द्वारा आज अतरा में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा की अगुवाई में मंडी समिति अतरा के सामने दोपहर 1 बजे लगभग 100 किसानों की उपस्थिति में अतरा इलाहाबाद मार्ग जाम कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों यात्री वाहन फंसे रहे। वहीं किसानों के द्वारा बताया गया कि ये चक्का जाम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधित 3 अध्यादेश विधेयक के विरोध में किसान द्वारा चक्का जाम किया गया। विमल शर्मा की अगुवाई में किसान ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अतरा को दे किसान विरोध अध्यादेश को तत्काल वापस लेने की मांग की। साथ ही बताया गया कि ये विधेयक किसान हितैषी नहीं है, इन विधायकों के दूरगामी परिणाम किसानों की लिए समस्या का समय बनेंगे। आज पूरे देश का किसान इन कानून से आहत है, जिससे आज किसान अपनी आजीविका छोड़कर रोड पर आने को मजबूर हुआ है। किसान यूनियन के द्वारा पूरे देश में आंदोलित किसानों के समर्थन में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में पंजाब हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित हैं। किसानों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि किसान के मामले में संविधान को ताक पर रख दिया गया है। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस चुस्त दुरुस्त रही और जगह जगह पुलिस के जवान उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? अनुपा सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। जी कहाँ से आई आज? मैं यहीं से हूँ, बल्लाल से। बल्लाल से जी। यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? किस प्रकार? सर ये दिल्ली आंदोलन में जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, गैस छोड़े जा रहे हैं, पानी का बौछार दिया जा रहा है, तो इसी के समर्थन में हम लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं और लगातार चक्का जाम करते रहेंगे। जब तक हमारे किसानों को कोई समर्थन दिल्ली से मोदी सरकार जी आदेश नहीं देते, तब तक हम लोग हर क्षेत्र पूरे बुंदेलखंड में पूरे जिले में जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच के चक्का जाम करेंगे। और 3 तारीख की हम लोग हजारों किसानों के साथ को लेकर और दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सर हमें सीपी एक ही मांग है, हम लोग किसानों को साथ जो ये काला कानून थोपा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। किसान किसानों को वोट नहीं देता, किसान भी सरकार बनाती है, किसानों का हक किसानों को मिलना चाहिए। किसान का हित, किसानों के कानून हटा दिया जाए, काला कानून जो किसानों के हित में है वही बोला दिया जाए। क्या नुकसान बहुत सारे हैं, फसल देखिए बिल्कुल नहीं बच रही इससे, और किसान के जो मूल समर्थन है वो भी नहीं मिल रहा। किसानों को जबरदस्ती इस तरह के लंछन थोपे जा रहे हैं किसानों के ऊपर, जैसे पायरैली का है, इसको जलाने से उसको जेल भेजा जा रहा है। किसानों की जानवरें से बहुत परेशान है, किसान वो नहीं फसल तैयार हो पा रही, किसी हर तरह से किसान परेशान है। बुंदेलखंड के पूरे बुंदेलखंड के पदाधिकारी से पदाधिकारी आए हैं, अभी कोई कार्यकर्ता नहीं है। जिस दिन हम लोग दिल्ली जाएंगे उस दिन पूरा बुंदेलखंड हर गांव से बच्चा बच्चा निकलेगा, हर महिला निकलेगी, हर बच्चे निकलेंगे। और वो हम लोग जैसे भी आंदोलन करेंगे उग्र आंदोलन करेंगे, हम सीने मरने के लिए नहीं रहेंगे। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट।